एमएलसी चुनाव की जंग यूपी में जो चल रही है। दरअसल यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। शिक्षक की 2 और स्नातक की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए 27 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो रही है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। 5 सीटों पर कुल 63 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। चुनाव 2 फरवरी को, आपको बता दें कि दो फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। 57 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर तैनात की गई है। अब आपको यह भी बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड के लिए चुनाव हो रहा है, कानपुर स्नातक खंड के लिए हो रहा है, कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड, बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड, प्रयागराज झांसी शिक्षक खंड। तो जहां शिक्षक एमएलसी के लिए चुनाव हो रहा है वो प्रयागराज झांसी है और स्नातक के लिए बरेली मुरादाबाद पर हो रहा है, कानपुर उन्नाव में शिक्षक खंड का हो रहा है, कानपुर स्नातक खंड में भी हो रहा है। वही ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड के लिए चुनाव हो रहा है, तो जहां जहां ये चुनाव चल रहा है वहां की डिटेल हम आपको बता रहे हैं। और 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है, हालांकि बीजेपी ने कुछ पुराने चेहरों पर दाव खेला, जो पुराने उम्मीदवार हैं उनको दोबारा से मौका दिया गया। तो यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है 8 बजे और 4 बजे तक वोटिंग होगी। चलिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। आपको बता दें कि झांसी से अब्दुल सत्तार हमारे साथ रहेंगे, प्रयागराज से गुफरान हमारे साथ रहेंगे, श्याम तिवारी हमारे साथ कानपुर से रहेंगे। सबसे पहले कानपुर से का रुख कर लेते हैं। श्याम, कानपुर में तैयारी शुरू हो गई है, वोट डालने का काम शुरू हो चुका है? देखिए आपको बता दें, तैयारियां पूरी हैं और जो टाइमिंग है वोटिंग की वो भी शुरू हो गई, लेकिन फिलहाल अभी कोई जो मतदाता है वो केंद्र पे नहीं पहुंचा है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि हमें केंद्र पे खड़े हुए हैं और थोड़ी ही देर बाद यहां पर जो स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी हैं अरुण पाठक, वो खुद अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी लगाई गई है और आगे के कमरों में वोटिंग की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कानपुर में स्नातक सीट की अगर बात की जाए तो सीधा मुकाबला जो बीजेपी के प्रत्याशी अरुण पाठक है और सपा के प्रत्याशी है डॉक्टर कमलेश उनके बीच माना जा रहा है। वही शिक्षक अगर खंड की बात की जाए तो उन्नाव से प्रत्याशी बनाया गया है, इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है वेणु निरंजन को। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि तैयारियां पूरी है, पीठासीन अधिकारी ने तैयारी पूरी कर ली है और अभी तक वोट डालने के लिए कोई पहुंचा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्योंकि वोटिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। अरुण पाठक यहाँ पर पहुंचे, मैं बात कर रहा था वेणु निरंजन को उन्नाव से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और उनको उनका सीधा मुकाबला सपा के प्रत्याशी से माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने भी इसमें अपना प्रत्याशी उतारा है। तो कुल मिलाकर के 3 पार्टियों के प्रत्याशी हैं और कुल 9 प्रत्याशी हैं शिक्षक खंड स्नातक में और 10 प्रत्याशी हैं स्नातक चुनाव के लिए, जिसमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी इस बार नहीं उतारा है। सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर अरुण पाठक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कानपुर में कुल मिलाकर के 163 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 100 केंद्र स्नातक एमएलसी के लिए है, 63 केंद्र शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए बनाए गए हैं। वोटरों की अगर बात की जाए, अगर कानपुर के केवल वोटर की बात की जाए तो 1,64,000 से अधिक वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे स्नातक चुनाव के लिए। वहीं 11,000 से अधिक वोटर जो है वो शिक्षक चुनाव के लिए वोट कास्ट करेंगे। आप इस बार चुनाव में एक बात ये खास देखने को मिली है कि इस बार जो युवा वोटर है, जो स्नातक वोटर है, उसने वोटर बनने में खासी रुचि दिखाई है। पिछले सालों में इस तरीके का जज्बा लोगों में देखने को नहीं मिलता था। आमतौर पर इन चुनावों में काफी कम लोग वोट करते थे, लेकिन इस बार जहां पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना रूप दिखाया, अधिक से अधिक वोटर बनाए, यही वजह है कानपुर में। बिल्कुल शाम बने रहिए, लौटेंगे आपसे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।